तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, अपनी अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर कि आप सब मस्त होंगे। तो ऐसे ही मैं भी बहुत मस्त हूँ, आप सबसे मिलती रहती हूँ हर हफ्ते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए नए लोग आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उससे बहुत नॉलेज मिलती है और बहुत बातें हमें पता लगती हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव में हेल्पफुल होते हैं। वो इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है, छोटे से बड़े तक, ठीक है। वो चाहे इंप्रूवमेंट इतना ही हो कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, एक इंप्रूवमेंट हो सकता है कैसे हम बातें करें, हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी जो मीटिंग सुन रहे हैं उस मीटिंग में से कुछ चीजें निकाल के अपने अंदर डाल रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को कहना चाहिए ना अपग्रेड कर रहे हैं। मोबाइल में भी अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में भी ये ऑप्शन आता है अपग्रेड का। जब भी आप कुछ वो कर रहे होते हैं, आपने अगर सैमसंग का मोबाइल लिया हुआ है, तो मैं सैमसंग इसलिए बोल रही हूँ मेरे पास सैमसंग है तो मुझे उसका पता है। तो जब भी उसमें कोई अपग्रेड वर्जन आता है तो वो अपने आप से पूछता है, जब वो वाईफाई के कनेक्शन में आता है तो वो अपने आप ही पूछता है कि डू यू वांट टू अपग्रेड योर मोबाइल, ठीक है। क्यों करता है वो? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वो चेंज करते रहते हैं, सैमसंग वाले हर कंपनी वाले करते होंगे, कुछ कुछ वो चेंज करते रहते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करने का क्या सिस्टम है? तो अब आप लोग कैसे करोगे? आप कहोगे भाई हम तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे या हम चेंज हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है? अगर हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो आप लोग कर रहे हो। आप लोग पास बहुत सा ऑप्शन है, आप कर रहे हो। हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग्स होती हैं हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हम वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बंदा कुछ नया बता के जाता है, अगर हम एक घंटे की मीटिंग सुन रहे हैं, उस एक घंटे की मीटिंग में हमारे पास क्या होता है, कुछ बातें होती हैं करने के लिए जो कि अपग्रेड मर्जर में चली जाती हैं। जैसे कि मैं आज कुछ बता के जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसको अपने उतार लोगे या फिर नोट्स बना लोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी लेके बैठा कीजिए, डायरी में नोट्स बनाया कीजिए। मैं बनाती हूँ ऑलवेज और मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि कितने सारे लोग बनाते, कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस लेते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी नोट्स बनाते हैं। क्योंकि अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हम वो चीज भूलते नहीं है। कल को मैंने अगर किसी की बात सुनी, सपोज मैंने रफीक जी की प्रेजेंटेशन सुनी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, इतनी मजेदार प्रेजेंटेशन थी कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं फर्स्ट डे से, जब से रफीक जी के संग हमने मीटिंग्स उनकी अटेंड की है, मैं फर्स्ट डे से उनकी मीटिंग अटेंड करके बहुत इंजॉय करती हूँ। क्योंकि वो इतनी अच्छी ऑप्शंस देते हैं, इतने अच्छे मोटिवेशन देते हैं, इतने अच्छे एग्जांपल्स देते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं हंसती भी हूँ और मैं लिखती भी हूँ, और जब भी मैं उनकी मोटिवेशन स्टोरीज या कुछ लिखती हूँ तो वो मुझे फ्यूचर में काम आती है कि कभी हम बैठे हैं कि कुछ बताना है बट क्या बताएं, तो वो एक लाइन अगर उनकी याद आ गई आप वो बोल सकते हो। तो वो किसी की भी आ सकती है, वो मेरी भी आ सकती है, आपको किसी बच्चे की भी आ सकती है। नन्हे कलाकार का प्रोग्राम हमारा होता है, हम कुछ भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं तो वो बच्चे अगर कुछ अच्छा, आप देखो कितनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स बच्चों ने ली हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं वो इतनी छोटी एज में, तो वो भी लिखने लायक होती है। कई बार उनको भी हम लिखते हैं कि बच्चों ने क्या अच्छा बोला, तो आप उसको उससे भी सीख सकते हो। तो हमारी ना तो कोई उम्र होती है ना कोई समय होता है सीखने का, हम हर समय हर एज में सीख सकते हैं। सो हम इसीलिए मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं हर बार शायद इस बात को रिपीट करने लग गई हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोगों में बहुत चेंजेस आए हैं, बट एक दो लोग अभी चेंज नहीं हुए हैं, बट कोई नहीं, वो भी हो जाएंगे। क्योंकि हमारा अपनी, जब हम अपनी वो सोचेंगे ना, मतलब चाहे वो आप हो, जब हम अपने आप को सोचेंगे हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को चेंज करने की, या हमारी जिम्मेदारी है अपने डाउनलाइन को चेंज करने की, तब हम उसको चेंज करेंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे करना है और किस तरह से करना है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, कॉमन जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं घर में, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर भी बदलाव लानी है। और जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं करते हैं तो हम उसको करते करते सीखते हैं। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, बहुत सारी बातें करने को हैं इस बार, बड़े मजेदार बातें करने को हैं, बट मैं पहले पूछना चाहूंगी कितनी ग्रोथ, कितने परसेंट ग्रोथ आपकी इस बार हुई है? हम लोग पिछले महीने बात कर रहे थे कि आपको अपना बिजनेस डबल करना है, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों का नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो पाया, लेकिन कितना परसेंट बिजनेस आपका बढ़ा पिछले महीने? कितना भी हो सकता है वो, आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर दीजिए प्लीज, ताकि मैं देख पाऊं कितने लोग उसको फोकस कर रहे हैं और मेरी बात को सुन के समझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बात को सुनना समझना। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। 50%, 40%, वेरी गुड, 50%, वेरी गुड। और जिनका नहीं बढ़ा वो ले सकते हैं, नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरम की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये फील नहीं करना। डबल हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा वालिया जी, वेरी गुड, डबल हो गया।
सेम रहा, कोई बात नहीं है, आपके बाद बढ़ाना है 10% बढ़ा, कोई बात नहीं, अब बढ़ाना है। आप लोग देखो जितने भी लोग अपना लिख रहे हैं ना 50% 40% डबल हो गया जिन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं है, अलका वाजपेयी सेम रहा। सो देखो कितने अच्छी बात है कि हम अपने अपने अचीवमेंट्स हैं वो हमारा सेम ही क्यों नहीं रहा, डाउन तो नहीं गया सेम ही रहा, वेरी गुड, 10% बढ़ा, वेरी गुड। तो हमारा बिजनेस अगर स्टेबल भी है ना, तो वो भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें बिजनेस को रखना नहीं है ऐसा 50%, वेरी गुड, हमें बिजनेस कराना है ऐसे लेके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप में थोड़ा सा चेंज करना होगा, और मैं अभी बताऊंगी। कुछ लोग लिखना चाहें तो फटाफट लिख दें इसमें चैट बॉक्स पे, क्योंकि फिर मैं आगे की बात शुरू करती हूँ। फर्स्ट टाइम अटेंड योर मीटिंग, वेरी गुड पूजा रानी जी, वेरी गुड, आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो आप और भी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, बट कोई नहीं है, अपना बिजनेस सबको बढ़ाना है। ये जितने भी डाउनलाइन अपलाइंस यहाँ बैठे हैं, मतलब आपकी जितनी टीम है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड फैमिली है आपकी, डीएक्सएन फैमिली है, आपको पूरी अपनी फैमिली में ये चीज बतानी है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है ना। जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम करें कोई बात नहीं है, बट वेरी गुड। तो मैं इसके बाद बात करना चाहूंगी, अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस बढ़ाने की, कि किसी ने 10% 20% 40 50 डबल, और किसी ने कहा कि सेम रहा, ठीक है कोई बात नहीं है सेम रहा, तो बट हमें कैसे बिजनेस बढ़ाना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं कि यार मैम बार बार कह रही है बिजनेस बढ़ाना है बिजनेस बढ़ाना है, बट मैं कैसे बढ़ाऊं बिजनेस अपना, नहीं बढ़ रहा भाई, बहुत मेहनत कर ली नहीं बढ़ रहा, होता है ना ऐसा फीलिंग आती है लोगों की। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो हम क्या करें, मैं बताऊंगी अभी क्या करें, अभी यहां से पूछूंगी कुछ मैं। अभी आप इसके बताइए मुझे कितने आपके पर्सनल पीबी हुए हैं और कितना आपका ग्रुप पीबी हुआ है आज तक, इस महीने की डेट को बात कर रही हूं मैं, ग्रुप पीबी। यू आर राइट, आई नो आई एम राइट, क्योंकि हम कर रहे हैं वो वही हम बता रहे हैं। मैम आपको लिखना है कितना पर्सनल एंड कितना ग्रुप, तो पर्सनल विद ग्रुप, ग्रुप पीबी 5000, ओके। आज तक का अपना ग्रुप पीबी कितना हुआ है और अपना पर्सनल पीबी कितना हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। पहली बार आप सुन रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं पहली बार, लेकिन आप बिजनेस तो पहले से कर रहे हैं, बिजनेस में फोकस कीजिए सर, बिजनेस में फोकस कीजिए मैम, मीटिंग की कोई बात नहीं, मीटिंग तो हम ऑलरेडी, अगर न्यू पर्सन तो इट्स ओके, बट उसको भी तो पर्सनल, जो भी नया बंदा डीएक्सएन में इन्वॉल्व हो रहा है, आप किसी भी नए बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हो, उसको प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व करो, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन जो पिछले टाइम से मैं सुना रही हूँ, बहुत से लोगों ने 3500 पीवी करे हैं, वेरी गुड, 16000 पीवी और 9500 पर्सनल पीवी, वेरी गुड। देखिए ये होता है वे लिखने का, 3560 पीवी पर्सनल एंड समथिंग उन्होंने लिखे थे, मैं चेक कर लेती हूँ अभी, तो वो इस तरीके से आप लिख के भेजोगे तो हमें समझ आएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, 3560 पर्सनल एंड ग्रुप पे भी 4600, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऊपर भी लिखा है किसी ने 16000 ग्रुप पे भी है उनके और समथिंग, तो ये बहुत जरूरी है अपने, वेरी गुड, इस तरीके से हाँ, 3500 पे भी और 3500 915, 6000 ग्रुप पे भी, ग्रुप, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए लोगों ने बहुत प्रोग्रेस करना शुरू किया है, मेन अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोगों ने ये शुरू किया है करना, कि वो लोग जो हैं अपनी जो पीवी कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऑफर्स आए हुए हैं, और वेरी गुड 51, वेरी गुड। तो मतलब जो ऑफर्स आए हुए हैं वो ऑफर्स हमें कैसे मिलेंगे अगर हम पीवी ही नहीं करेंगे, वो मेन पीवी का ही सारा खेल है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने पीवी बढ़ाने हैं, अपने पीवी बढ़ाने हैं, अपने डाउनलाइन पीवी बढ़ाने हैं। तो मैं अब इसका बात करना चाहूंगी, जो मैंने पूछा बड़े मजेदार बातें हैं। पहली बात तो ये कि आप सभी ये सोचते होंगे कि मैं कई बार वही बात रिपीट करती हूँ, हर बार मैं एक ही क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ, ग्रुप पीवी पर्सनल पीवी मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ कि कितनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ करनी है। तो कई बार लोग इस चीज को लेके बड़ा वो जाते हैं कि अरे हर बार एक ही बात बोलती हैं, कुछ और तो बोल ही नहीं रही, बट मैं वो क्यों बोलती हूँ बार बार। अगर आप फोकस करके अगर देख चैट बॉक्स चेक करो, सबको दिखता है चैट बॉक्स ना, अगर आप चेक करो चैट बॉक्स तो क्या देखोगे कि कितने कम लोगों ने आंसर दिया है। मेरे पास मेंबर्स हैं 107 जो इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं, बट कितने लोग हैं जिन्होंने में आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है मींस उन्होंने किया भी नहीं होगा। हम कैसे मान लें अगर आप नहीं लिख के भेजो तो आपने किया होगा। तो अगर हमारे 10 मेंबर ने भी आंसर दिया, 10 मेंबर ने किया और
90 लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया, या वो नहीं कर पाए, या वो पहली बार अटेंड कर, जो भी है, बट वो नहीं कर पाए, है ना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 कह रही हूँ, हो सकता है 20 ने आंसर दिया हो, इतना मैंने ऐसे डिटेल नहीं किया। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि सभी लोग आंसर दें ताकि हम उसको समझें। इसलिए मैं इसे रिपीट करती हूँ। रिपीटेशन हम करेंगे, जब आपने देखा अफर्मेशन मैंने करनी शुरू की थी, मैंने अफर्मेशन करने के बाद क्या किया था, आप लोग कुछ दिन करवाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि खुद करो। मैंने अफर्मेशन लिख के आपको व्हाट्सअप कर दिया था कि खुद करो, मैं उसको बार बार नहीं कराऊंगी, है ना। आपको अपनी लाइफ से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, अपने लाइफ स्टाइल से प्यार, तो करना आपको ही है। ऐसे ही डीएक्शन से आपको प्यार है, अपना काम करना है, बिजनेस बढ़ाना, तो करना आपको ही है ना। तो इसलिए हम रिपीट करते हैं बार बार। सो अभी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, कितने लोगों ने भरत जी की मीटिंग देखी थी, जो कल की थी, कल की प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने सुनी थी, कल की और परसों की। जल्दी जल्दी आंसर दी, टाइम निकल रहा है सर, बहुत जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने देखी, वेरी गुड। कल की मीटिंग देखी थी, बड़े मजेदार मीटिंग थी कल, तो रफीक सर आए थे, मजा आ गया सुन के, और बहुत सारे बातें लगे गए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने देखी, आई थिंक सबने ही देखी होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हमने दिया, सबने दिया था, आप सबके सपोर्ट से इतना अच्छा काम हुआ है। आप सब लोग सपोर्ट करते हो तभी आगे बढ़ते हैं सब, एक दूसरे सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस ही ऐसा है, जब कोई एक पेड़ से फल तोड़ने जाता है तो दूसरा उसको ऊपर करता है, तो हमारा फल आराम से टूट के आ जाता है। अगर हम एक फल तोड़ने जाए और दूसरा खींच ले तो फल नहीं टूट पाएगा। इसलिए आप सभी लोग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब, उसने आपने देखा और आपने अपने आप को अपडेट किया, हम आपको देख के अपडेट हुए कि देखो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग सीख रहे हैं, ये इतने लोग हमें सिखा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें सिखाते भी हैं इनमें। सो दिस इज वेरी गुड। तो अब कल की प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छी बात बोली थी रफीक सर ने कि अगर आपके पीवी, कई लोग ऐसे हैं जो 1,00,000 पीवी पे रुक गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया था, गाय का एग्जांपल दिया था। अगर एक गाय दूध देती है तो वो एक टाइम में 10 किलो दूध देती है। आप प्यार से कुछ काट दूध निकालोगे तो 10 से 12 किलो 15 किलो दे सकती है, बट वो डबल नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये बात उनके लिए कह रही हूँ जो लोग सोचते हैं कि मैं कैसे डबल करूं, तो आपको क्या करना है, अपने डाउन लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे फोकस कीजिए कि अगर वो 1,000 कर रहे हैं तो उनको 2,000 करवाने के लिए प्रेरित कीजिए, अगर 2 कर रहे हैं 4,000 करने के लिए प्रेरित कीजिए, 4 कर रहे हैं 6 के लिए कीजिए, 40 कर रहे हैं 60 के लिए कीजिए। ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे, आप अपने नीचे लोगों को बोलोगे, वो अपने नीचे लोगों को बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस अपने आप से ही डबल हो जाएगा। डबल जिन लोगों 50% 40% 20% भी बढ़ा हुआ है बिजनेस, तो वो कहीं ना कहीं उनकी डाउनलाइन की हेल्प से बढ़ा हुआ है। आप सब जानते हैं और समझते भी होंगे इस बात को, है ना। हम भी समझते हैं, हम अगर अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली काम कर रही है, डाउनलाइन में इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोग नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी ऑल आर फैमिली। अब मैं ये दिखाने को नहीं बोलती, मेरे दिल से यारी बात है कि मैं अपनी पूरी फैमिली ही मानती हूँ। आप सभी लोग जब मुझसे बात करते हैं, मुझे फोन करते हैं, तो मुझे बिल्कुल बॉदरेशन नहीं होता। हम अपनी फैमिली से बात करते हैं फोन पे, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। सो वो फैमिली है, अपनी फैमिली मेंबर्स को हम जब करेंगे तो हमारे संग हमारे बच्चे भी करते हैं, हमारे इन लॉज भी करते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर भी करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी डीएक्सएन फैमिली है। तो अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको सिखाइए कि अगर 1,000 पीवी कर रहे हो भाई 2,000 करो, काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मजे आएंगे, इंजॉय करोगे लाइफ को। भाई इंजॉय करने के लिए क्या चाहिए, इंजॉय करने के लिए चाहिए हमें सिर्फ पैसा, और सिर्फ पैसा नहीं चाहिए हमें, हैप्पीनेस चाहिए हेल्थ के साथ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हमें हैप्पीनेस भी मिलेगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जब होगी तो हमें मजा आएगा, हम इंजॉय करेंगे। सो आपको इंजॉय करना है तो अपना टीवी भी डबल करना है, और कैसे करना है मैंने बता दिया, और ये आपको मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि आप बिजनेस कीजिए समय समय, वेरी गुड आपने सही कहा, समय भी चाहिए हमें, समय मैम तब मिलेगा, हमें समय कब नहीं मिलता, जब हम अपना काम करने में बहुत बिजी होते हैं। जब आप अपनी टीम बढ़ा दोगे, आपका सबसे अच्छी बात तो यही है, कितनी अच्छी बात बोली पूजा जी, समय भी चाहिए हमें। अगर हम आज आप देखो, हम लॉकडाउन होता है, हम लोग घर बैठ के काम करते हैं, तो हम क्या सीखते हैं, हम घर बैठ के काम पर फैमिली साथ रह रहे हैं ना, बट हमारी डाउनलाइन हमारी फैमिली जो है, जो आज बिजनौर में ना रह के कहीं शायद हरिद्वार में है, या शायद वो लखनऊ में है, या बॉम्बे में है, तो वो फैमिली काम कर रही है और हम लोग उसके संग काम कर रहे हैं, तो मिलकर हम काम कर रहे हैं सब, और हमारा इंसेंटिव आ रहा है, हम काम कर पा रहे हैं। तो ये भी तो समय है,
समय आपको तब मिलेगा, हमें समय की आदत तभी मिल पाएगी जब हमारी टीम बड़ी होगी। हमें अपने लोग, हमारी नीचे टीम हमें बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ानी है वो भी मैंने आज पॉइंट लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं ताकि मैं कुछ छोड़ ना दूं, क्योंकि यार कुछ बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी थी मैं क्या क्या बताने वाली हूं। तो रफीक सर ने बताया था कि आप 1 से 2 कराइए, 2 से 4 कराइए, 4 से 6 कराइए, सही है, ये बहुत जरूरी है। और आपको पता होगा मैं लास्ट टाइम भी बोल रही थी 6x6 का प्लान कीजिए, आप 6 को ज्वाइन कराइए, वो 6 को कराएंगे, वो 6 को कराएंगे, तो वही चीज हो गई। वो हम ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग जब हम ऐसे कराएंगे तो हमारा समय भी कम होता जाएगा, जैसे जैसे काम होता जाएगा आपका समय भी आपके पास बचता जाएगा, आप अपने समय को एंजॉय भी कर पाओगे। जैसे कि उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं बट बहुत सारे लोगों ने, शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और हर बार बोलती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, मैंने बोला था लास्ट टाइम कि अपने हमें कम से कम कहीं से पैसे इकट्ठा करो, मतलब कहीं से मतलब ये नहीं चोरी डकैती करनी है, कहीं से पैसे इकट्ठा करने मतलब है आपने माल बेचा तो पैसा आया, उस पैसे को रोक के आपको जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को रोक के आपको इन्वेस्ट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। वही कर रफीक जी ने बोला कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, ताकि अब इतना माल तो हो कि हम उसे लिक्विडेट कर सकें। तो कम से कम 30 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डीएक्सएन प्रोडक्ट्स में, 30 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट हर बंदा अपने पास अब करना शुरू कर देगा। आप करके देखो और करवा के देखो, खुद भी करना और अपने डाउनलाइन भी फैमिली से भी करवाना, डाउनलाइन फैमिली से करवाओगे जब आप तो क्या होगा, आप देखोगे वो रिजल्ट आएगा, हमने किया है वो और बहुत सारे लोगों ने किया है। अभी आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशन सुनी है पीछे लेडीज की, तो लेडीज बोलती है कि हमने ये छोटा सा स्टॉक प्लान बना रखा है, इतना स्टॉक रखा हुआ है, आप देखते उनका स्टॉक कितना होता है, जब वो स्टॉक रखते हैं इसलिए सक्सेस होते हैं। तो आप भी अगर करोगे ना तो आप जरूर सक्सेस होगे। तीसरी देखो, जो बातें हम आपको रेगुलर बोल रहे हैं वही बात कल सर ने बताई थी, लेकिन वो बातें अलग वे में अलग मजे में बताई थी, आप समझो उस बात को कितना इंपॉर्टेंट बात है जो हम बोल रहे हैं कि आप अपने संग में इन्वेस्टमेंट करो, कैसे भी करो, जो पैसा आप कहीं बचा सकते हो उसे बचाओ, उसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस भागता है, ठीक है, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट 30 से 50 हजार आपको करना ही चाहिए, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और एक कैश फ्लो की बात उन्होंने करी थी, कैश फ्लो क्या होता है जो मैं बोल रही थी अभी आपको, कि हमने एक मान लो साबुन बेचा, पैसा आया तो वो कैश फ्लो हुआ, मतलब कैश हमारे पास आया, फिर हमने उस कैश में से कुछ पैसा निकाल के डीएक्सएम की साइट पे डाल दिया, अपने प्रोडक्ट मंगवा लिए, अपने हमने उस पे गए स्टॉक पॉइंट पे कुछ प्रोडक्ट मंगवा लिए, तो क्या हुआ, वो हमारा कैश फ्लो हुआ। जब कैश फ्लो होता है तो बिजनेस बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखो कैश फ्लो, तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है या नहीं है, कैश फ्लो होगा, बिजनेस बढ़ेगा, पैसे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। जब ये सब कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा तब क्या होगा, आपके पास जो है एक समय की भी आजादी मिल जाएगी कि आप जब चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। अभी डीएक्सएन, अभी हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, बट डीएक्सएन वो समय की आजादी भी देता है, वो साल में जो ट्रिप्स देता है, अभी जो ऑफर्स आए हुए हैं, वो बहुत सारे ऑफर्स ऐसे भी आते हैं कि आप घुमाने ले आते हैं डीएक्सएन मेंबर्स को, बहुत मजा आता है, तो वो सब करने को भी मिलेगा हमें। अभी बस ये पैंडेमिक जो पोजीशन है वो खत्म हो जाए और फिर हम सब फिर मस्ती करेंगे, सब मिलेंगे, इंजॉय करेंगे, तब आपको समय की आजादी का एहसास होगा, है ना। तो आपके पास एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कंज्यूमर्स होने बहुत जरूरी हैं। ये बात ही मैंने पहले बोली है, एक बार पहले भी बोली है कि कंज्यूमर्स होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं उनसे हमें प्रॉफिट होता है, उनसे क्योंकि अगर मेंबर बन गया बंदा तो क्या होगा, वो जब मेंबर बन जाते हैं तो मेंबर बन के हम एक बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और उनको डीपी पे आपको प्रोडक्ट देना होता है, आप प्रिंट रेट पे नहीं देते हैं, है ना, एमआरपी पे नहीं देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। और हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की, हम बात कर रहे हैं कि पैसा बचा के हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ से करेंगे भाई, जो हमारे लोग मेंबर्स बन गए हैं उनको हम मार्केटिंग एमआरपी पे नहीं दे पाएंगे, एमआरपी पे हम पैसा अगर उन्हें प्रोडक्ट देने लग गए तो वो गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है, उन्हें तो डीपी पे ही देना है। तो हमें कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस बनाना है, कंज्यूमर जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास 20 कंज्यूमर रेगुलर हैं, आपको रखने चाहिए 20 कंज्यूमर अपने पास रेगुलर रखिए, ताकि 20 कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करें, उससे आपको प्रॉफिट होता है, उससे अपना बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम किया, पीवी आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको क्या मिलता है, आपको मार्जिन मिल जाता है डीपी का और एमआरपी का, तो ये बेनिफिट्स आपको कंज्यूमर से ही मिल सकते हैं। और वो कंज्यूमर जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डीएक्सएन में आता है,
जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो डीएक्सएन में इन्वॉल्व होता है, बिकॉज अगर वो आपको देख रहा है, जज कर रहा है, तो क्या कहेगा, वो हमेशा कहेगा, मैं तो हमेशा पहले बोलती थी, मेरी फर्स्ट मीटिंग जब जिन लोगों ने सुनी होगी, जो लोग यहाँ पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने सुना होगा, मैं बोलती थी कि पहले मेंबर कंज्यूमर बनाओ, उसको प्रोडक्ट यूज करवाओ, जब वो सेटिस्फाई होगा वो आपको देखेगा, रिजल्ट देखेगा, वो अपने आप से डीएक्सएन में आएगा, और आज नहीं आएगा तो कल आएगा। मैंने आपको शायद बताया था जब हमारी डीएक्सएन मीटिंग्स ऑनलाइन शुरू हुई थी तो मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जानते हैं डीएक्सएन कुछ है बट डीएक्सएन में काम नहीं करते, है ना, हमने ने कभी अप्रोच किया, उन्होंने नहीं बात की, नहीं सुनी, वो लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, लोगों की जॉब खत्म हो गई, लोग क्या करेंगे, लोगों ने क्या करना शुरू करा, कुछ लोगों ने फोन किया, सब अब आप सोचो कि सभी फोन करें, ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों ने फोन किया कि भरत जी आप क्या कर रहे हो, अब भी काम चल रहा है क्या, आप कैसे कर रहे हो, इस तरीके से बात शुरू हुई, फिर उसके बाद उन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन किया, अब वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो अगर हमने 100 से बात की उसमें से हमारे पास 40 से 50 लोगों का कॉल जरूर आए थे कि आपने क्या करा और क्या कर रहे हो, तो ये काम आप भी कर सकते हो, आप सबसे बात करो, कंज्यूमर बनाओ, फिर कंज्यूमर जब सेटिस्फाई होगा आपको देखेगा तो क्या करेगा, आई एम ट्राइंग टू मेक कंज्यूमर्स वेरी गुड, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेरी गुड है, तो क्योंकि आप कंज्यूमर बनाइए, कंज्यूमर जब वो बन जाएगा, सेटिस्फाई होगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, और जैसे ही एक कंज्यूमर 20 में से एक कंज्यूमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आपको क्या करना है, आपको अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंज्यूमर और बनाना है, 20 की एक संख्या आपने बना लीजिए, उस संख्या को आपको मेंटेन रखना है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या काम करना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार रिएक्शन में काम क्या करना है, आप खाओ खिलाओ हो गया काम, बिल्कुल सही कहते हैं, खाया हमने खिलाया हो गया काम, लेकिन अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे वो सपने समय को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे अपने फ्यूचर को लेके हो, कोई भी सपना हो सकता है अपना, वो सपने को अगर हम लेते हुए, अगर वो सपने को हम लेते हुए करेंगे तो क्या होगा, उस सपने को पूरा करने के हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, कैसे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हमें कब, जैसे हम कहते हैं सुबह उठ के हम कब उठेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे, कब शून्यता करेंगे, कब हम खाना खाएंगे, कब लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों से हमने बात करी है, ये सारी चीजें अगर आपकी डायरी में नोटेड होंगी तो आप 101% अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, जो आप चाहते होंगे वो आपको मिल जाएगा, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, उस मीटिंग का मैंने क्या नोट बनाया है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट थिंग्स का ध्यान रखना है, और मैं इन सब चीजों को फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तो यही मेन चीजें हैं जिनको हम रेगुलर फोकस करते आए हैं, कर रहे हैं, बट आप लोग फोकस करना शुरू कर दोगे। 19 साल बेमिसाल में, 14 साल मेरे भी हैं, वो 14 ईयर्स में जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है, रेगुलरली एंड ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ, रेगुलर रहो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को और अच्छा परफॉर्म करने की हैबिट डलवाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और मेरी फर्स्ट डे से आज तक के टाइम में आप देखो मुझे बहुत चेंजेस हैं क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया। आप आर के अग्रवाल सर ने भी कहा था, के अग्रवाल सर ने भी कहा था कि भरत जी ने चेंज किया, हमने देखा वो हर बार चेंज होते हैं, हर बार अपने आप चेंज करते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग सेम फैमिली में रहते हैं। मैं कहती, मैंने कहा था कि मेरे मेंटोर हैं भरत जी, उनसे ही सीखा है मैंने, तो जब वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हर बार चेंज करते हैं, हर बार मीटिंग्स में चेंज करते हैं, सो व्हाई नॉट आई, मैं भी सेम करूंगी, तो मैं क्यों अपने लोगों को नहीं सिखाऊंगी कि आप भी चेंज होइए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, जो भी कमी लगती है, जो डर है उस डर से आगे निकलिए। डर से, कहते हैं ना एक एक एड भी आता है कोई कि डर के आगे सॉरी मुझे लग रहा है कि शायद आज थोड़ा वो कम है, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम हो रही है, आज नेटवर्क कैसे चल रही है पता नहीं, चलिए सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से बीच में ये गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं। सो हम बात अपग्रेड करने की बात कर रहे थे, तो अपने आप को हमें अपग्रेड करना है, अपने आप को हमें सिखाना है और सीखना है, ठीक है, आप सभी को करना है। और आज हमारे पास टाइम, अभी हमारा टाइम हो गया है जो हमें अपने आज के होस्ट स्पीकर को देना है, गेस्ट स्पीकर को देना है, बट मैं एक बात और करूंगी कि एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये बात भी कल आपको बताई गई थी कल की मीटिंग में, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी शायद रिपीट की थी या लास्ट टू लास्ट टाइम रिपीट की होगी, कि हमें हर किसी को थैंक यू बोलना है, हर किसी को थैंक यू, हर चीज को थैंक यू बोलना है। अगर आज ये लैपटॉप मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं आपको मीटिंग दे पा रही हूँ, तो मुझे इस लैपटॉप को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू लैपटॉप, अगर आप नहीं होते तो मैं उस अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही जो मुझे देनी चाहिए। अगर मेरा नेट कनेक्शन अभी चला गया था
अगर नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा मैं मीटिंग नहीं दे पाऊंगी. सो थैंक यू टू नेटवर्क कनेक्शन, थैंक यू टू ऑल ऑल माय अराउंडिंग थिंग्स, जैसे मेरे बच्चे हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए. कितने लोगों ने आज अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला, या अपने बच्चों को थैंक यू बोला, या अपने फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर को, ब्रदर को, हस्बैंड को, वाइफ को, कितने लोगों ने आज थैंक यू बोला? अगर कोई मुझे लिख के बताएगी किसने बोला तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें हम लोग जल्दी से नहीं करते हैं. हमेशा लोगों में कमियां देखते हैं हम हमेशा. मैं बोलती हूँ प्रॉब्लम है, बहुत बार बोला है कि कंप्लेन मत करो, वो भी एक पार्ट इसी का है, कंप्लेन मत करो. अब कंप्लेन हम करते रहेंगे. गीतांजलि लिख रही है यस वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस वेरी गुड, दो तीन लोगों ने लिखा है यस. जिन लोगों ने यस लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने घर में, अगर मेरी इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, अगर मेरी इन लॉ अगर आज कुछ अपना काम खुद कर लेती है तो उनको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू मॉम आपने अपना काम आज खुद किया ताकि मैं फ्री हो सकी. क्योंकि अगर आप एज अ बहू, बहुत से फैमिली में लोग काम बहुत सारा होता है नहीं कर पाते हैं, तो अगर कुछ भी काम अगर आपकी फैमिली में कोई कर रहा है तो थैंक यू बोलना चाहिए. बच्चे आपको एक कप पानी लाके दे रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी को थैंक्स देते हैं, जो भी हम देते हैं वो वापस आता है. ये हमेशा ध्यान रखिए. जो हम कहते हैं ना कि बबूल बोगे तो आम कहां से लोगे, तो सेम चीज है, जो भी हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे. तो ऑलवेज थैंक यू टू यू, वेरी गुड. किसी बेटे को थैंक यू बोला, वेरी गुड. हर किसी को मैं कहती हूँ, आपके जो आप अगर टीवी देख रहे हो उसे इंजॉय कर रहे हो तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू टीवी, आज मैं आपसे इंजॉय कर रहा हूँ. हर किसी को थैंक यू बोलोगे ना तो आप अपने आप अच्छा फील करोगे. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पेड़ पौधों को ऑक्सीजन थैंक यू बोलना चाहिए कि ऑक्सीजन मिली मुझे तभी तो मैंने इतनी अच्छी से एक्सरसाइज कर पाई. अगर मैं एक्सरसाइज करती और मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं होती, या मेरे आस पास इतना अच्छा माहौल नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता. तो ये सब काम हम कैसे करते है ना, तो ये सबको थैंक यू बोलना चाहिए. हमेशा हमेशा ध्यान रखिए अपने आसपास के लोगों को, अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने घर के लोगों को, अपने डाउनलाइन फैमिली को, अपलाइन फैमिली को ऑलवेज थैंक्स बोलना चाहिए कि अगर वो हैं तो हम भी बहुत कुछ हैं. ओके सो मैं अब बुलाना चाहूंगी अपनी को स्पीकर, हमारी जो आज की गेस्ट हैं उनका नाम है शैल पासवान जी. शैल पासवान जी अगर आप मीटिंग में हैं, मीटिंग में अगर आप क्या हैं मीटिंग में, तो आप जो हैं अपने आप को कैमरा ऑन कर लीजिए और मैं आपका भी माइक ऑन करने के लिए बोलती हूँ. पार्वती जी के नाम से है आपका. ओके मैं अभी आपको ओके पार्वती जी को मैं अभी आप अपना अनम्यूट अप कर सकती हैं मैम. शैल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, अब हो जाएगा आपका माइक ऑन. अनम्यूट कीजिए अपने आपको मैम एक बार. इतने शैल जी अपने आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बता दूं शैल पासवान जी फ्रॉम ये दिल्ली से हैं. हाँ ओके उनका हो गया है, कोई बात नहीं है. शैल पासवान जी हैं वो जो है दिल्ली से हैं और उनका अपना पार्लर है, वो पार्लर चलाती हैं वहाँ पे और अपने हस्बैंड के संग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत इंजॉय से काम कर रही हैं, बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, प्रेजेंटेशन ले रही हैं, मीटिंग्स ले रही हैं और अपने लोगों को डीएक्सएन के बारे में बता रही हैं. मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगी कि वो क्या कर रही हैं, वो खुद बताएंगी वो क्या कर रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे बताती हैं वो कि क्या वो कर रही हैं. सो मैं बुलाना चाहूंगी शैल जी को और इनकी जो फैमिली है डीएक्सएन फैमिली है वो पाठक जी से आती है. पाठक जी हैं और उनके बाद आते हैं निधि जी एंड आदित्य जी और फिर आते हैं भरत जी एंड शिप्रा जी. तो हम लोग इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, हम सभी इनके फैमिली मेंबर्स हैं और ये एक ग्रेट इतना अच्छा मोटिवेटर बन गई हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं और अपने अपने काम के साथ अपने लोगों को डीएक्सएन का लाभ भी दे रही हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगी शैल जी को. शैल जी आप आइए और अपनी बात खुद से रखिए ताकि आप बता पाए कि क्या आप कर पा रहे हो, कितना अच्छा आप कर पा रहे हो. क्या पूछ रहे आप? पृथ्वी जी आप कर लीजिए एक बार अपना. जी जी मैम आवाज आ रही है? यस यस आ रही है. थैंक यू मैम. शिप्रा मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और रियली मैं आपको देख के आज बहुत खुश हो रही हूँ. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.
और मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं अपने गुरु सिप्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे भरत सर का और हमारे जो पाठक सर जी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमारी गुरु माँ नीलम जी जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम डीएक्सएम के बारे में बताया और उन्होंने ही मुझे इतना जबरदस्त, इतना 100% पावरफुल इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे समझाया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहूंगी कि इंसान कभी भी ऐसे किसी भी चीज को जानने के लिए नहीं निकलता। एक्चुअली जैसे आप कहिए कि जब तक आपको आवश्यकता नहीं होती है तब तक आप उसकी खोज में नहीं निकलते। तो मैं अपना एक परिचय देना चाहूंगी कि मैं हूँ सैल पासवान और दिल्ली में मेरी एकेडमी चलती है, मेकअप एकेडमी है, और साथ में मैं ब्यूटिशियन का भी कोर्स करती हूँ, करवाती हूँ, और प्लस हमारी एक ब्यूटी काउंटर भी है। और एज अ बिजनेस करते हुए मुझे लगता है 13 से 14 साल मुझे हो चुके हैं दिल्ली में। तो मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और मैंने अभी जैसे कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ कि मैं एक पार्लर में खुद स्किन ट्रीटमेंट करती हूँ। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारे पार्लर में अवेलेबल है और मैं करती आ रही हूँ, लेकिन मुझे एक टाइम पे स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो इसके खोज में मैं नेचुरोपैथी के पास गई, नीलम मैडम हैं हमारी गुरु माँ हैं, उनसे मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स स्टार्ट किया कि आखिर स्किन की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो ठीक नहीं हो रही है, उसे ठीक कैसे की जाए, क्योंकि मैं खुद एज अ ब्यूटी विशेषज्ञ हूँ और इस पे बहुत काम कर रही हूँ, फिर भी उसका कोई हल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे एज अ सजेस्ट किया कि सेल डीएक्सन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप उसको यूज करके देखिए, बहुत अच्छा है। फिर मैंने बोला कि जी एक्चुअली जो गुरु कहे वो मानना ही चाहिए और गुरु हमेशा अच्छा ही बताते हैं, तो मैं इस बात को बहुत मानती हूँ और उस पर मैंने काम भी किया। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम इनका इसका शॉप, अपना गैनोडर्मा का शॉप स्टार्ट किया, और आप देख भी रहोगे काफी मेरी पिगमेंटेशन कम हो गई और मुझे काफी फायदा भी नजर आया। और उसी बीच एक इंसिडेंट ये हुआ कि 2019 में मैंने ज्वाइन करा डीएक्सएन, मैंने 2019 में ज्वाइन करा और उस समय दिल्ली में चिकनगुनिया बहुत चला हुआ था, और ये चिकनगुनिया हो गया, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में डेंगू के मरीज हो रहे थे, और काफी लोग, मुझे लगता है दिल्ली के सारे लोगों को याद भी होगा ये बात। तो उसी समय बीच में मेरे बेटे को थ्री बॉय, तो मेरे बीच वाले बेटे को ये डेंगू हुआ, तो वो काफी, उसका वेट लगभग 7-8 किलो उसका वेट कम हो चुका था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर का यही रिपोर्ट आ रहा था कि ठीक है आपका बच्चा, बिल्कुल ठीक है, बट कमजोरी है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आप उसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। सेम उनका एक ही था जवाब। फिर हमारी नीलम जी ने जो हमें ये दिलवाया था, तो पाठक सर ने हमें ये कहा कि मैम आप इसको स्पुलिना खिलाइए, आपका बेटा जाएगा। तो मैंने स्पुलिना खिलाया और आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, 15 दिन में जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल 15 दिन में चलने लगा, जो बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं रहा था, इतना कमजोर, एकदम अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहा था, और वो इतना आराम से चलने लगा और खाना खाने लगा। और मुझे इस बात को देख के बहुत खुशी हुई कि वाकई इसमें आखिर ऐसा क्या है कि इतना जल्दी मेरा बेटा रिकवर करने लग गया। तो मेरा जो विश्वास था डीएक्सएन पे उस दिन 200% हो गया। और फिर उस दिन फिर मैं भरत सर से भी मिली, फिर मैंने मीटिंग अटेंड करना शुरू करा, फिर मैंने सीखना शुरू करा कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इतना काम करता है। फिर मैंने गैनोडर्मा को समझा, क्लासेस लिया, और विश्वास मानिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। और मैं एज एक ब्यूटिशियन होने के नाते अपने जो भी अगर इस ग्रुप में ब्यूटिशियन होंगी जो ब्यूटी से रिलेटिव काम करती हैं, उनको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि जो हमारा डीएक्सएन प्रोडक्ट है, चाहे वो फेस का कोई भी प्रॉब्लम हो,
आपको एक्ने हो रहा है, आपको टैनिंग हो रही है, या फिर पिगमेंटेशन है, या फिर आपका फेस से रिलेटिव कोई अगर प्रॉब्लम है, तो हमारे डिएक्सन में उसका प्रॉपर इलाज है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। मैं ये समझाना चाहती हूँ अपने ब्यूटिशियंस को, और भी जो समझ रहे होंगे वो समझे, लेकिन जो ब्यूटी से रिलेटिव काम करती हैं उनके लिए बहुत फायदा है इस डिएक्सन में जुड़ने का, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं कम, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे पास लोग कंज्यूमर आते हैं, रोज हमसे नए नए लोग मिलते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पार्लर्स में आते हैं, हमारे एकेडमी में आते हैं। तो हम उन्हें ये सजेस्ट करके अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अगर हम अपने डिएक्शन में, अपने शॉप पे, अपने एकेडमी में, अपने ब्यूटी काउंटर में इसे रखें, तो बहुत ज्यादा अच्छा आप काम कर सकती हैं। और मैंने इसी का फायदा उठाया। एक तो उसके बाद मैंने हेल्थ के बारे में, जो मैंने स्पीना के बारे में बताया, उसका रिजल्ट तो अमेजिंग है, मतलब क्या बताऊं, उसको तो शानदार, उसको मैंने बहुत सारे क्लाइंट को ठीक करा है। अगर किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, बहुत खून की कमी है, तो बस आप एक स्पूलिया दे दीजिए और वो इंसान आपके पास दोबारा आएगा ही आएगा। अब वो इतना अच्छा उसका रिजल्ट है ना, मैं आपको बता दे सकती हूँ। अभी तक मुझे मेरे ख्याल से 3 साल होने वाला है डिएक्शन को करते हुए, मुझे इसका नेगेटिव रिजल्ट मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ये बहुत हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए फायदेमंद है। तो मैं 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ। पहला कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो डिएक्शन है, वो सबसे पावरफुल है, उससे जबरदस्त, उससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल नहीं सकता। वो मेरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता ना, उतने हम जोश से बोल नहीं सकते, उतना हम इफेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट में दम होता है ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सबसे फायदा वो होता है ना, मजा बिजनेस करने का ना वही होता है कि आगे से कंज्यूमर आए कहे कि मुझे तो वही सॉप चाहिए, मैडम मुझे तो वही वाला जेल चाहिए, मुझे तो वही वाला मॉइस्चराइजर चाहिए, तो ये मजा आता है कि हाँ भाई आगे से वो नीडेबल है। और सबसे मैं अपना एक और एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये लॉकडाउन आया था, फर्स्ट लॉकडाउन की मैं बात बताऊंगी कि जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था, तब मैंने अपने शॉप पर लगभग 90,000 का डिएक्शन प्रोडक्ट का माल स्टॉक किया था, और ठीक मार्च या अप्रैल में आई थिंक लॉकडाउन लग गया था। तो मैं बहुत ही डर गई थी कि ये क्या हुआ, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था और अब ये लॉकडाउन लग गया, अब कैसे ये माल बिकेगा, कैसे मैं बात करूंगी, कैसे काम करूंगी। लेकिन सच मानिए, जब वो सब, सबसे पहले तो पार्लर ही बंद हो गया था, हमारा काम, हमारा एकेडमी बिल्कुल, और उस समय सोचिए कि आर्थिक तंगी कितनी आ सकती थी। लेकिन थैंक्सफुल हमारा डिएक्शन कि मेरे पास डिएक्शन था और मैंने उतना माल स्टॉक कर रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिन जिन कंज्यूमर को, कस्टमर को हमने दे रखा था ये प्रोडक्ट, वो फोन करने लग गए कि मुझे सेल ये चाहिए, सेल वो चाहिए, और मैंने वो डिलीवरी करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में मेरा जो घर की आर्थिक स्थिति है, डिएक्शन ने बहुत साथ दिया और अब भी दे रहा है। इस लॉकडाउन में भी हमारा पार्लर एकेडमी अभी बीच में भी काफी बंद रहा, लेकिन ये था कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे फोन पे ऑलरेडी 4-6 ऑर्डर्स आ चुके होते हैं, जिसके लिए मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि हाँ मैं अपने एकेडमी का किराया कैसे निकालूंगी या इवन और कैसे होगा। तो डिएक्शन से मेरा घर का बहुत बढ़िया चलता रहा और डिएक्शन का जो सपोर्ट था वो है, और मुझे लगता है आगे भी बहुत रहने वाला है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको बेचना नहीं है, सबसे पहले आपको कंज्यूम करना है, आप इसको खाइए। और अब हम तो सोचे कि सर, भरत सर हमेशा कहते हैं ये बात कि आप डिएक्शन मैं हो जाइए, तो रियली मुझे अब ऐसा फील होता है कि मैं डिएक्शन मैं हो चुकी हूँ, और रियली इसका अब हमारा जो चाय है या कोको जी है या स्पुलिना है, हर चीज हमारे डाइट में शामिल है। और मुझे लगता है
कि 2 से 3 साल हो गए हम अपने फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बेटे हैं। इवन अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए एक बुखार की दवाई तक लेने। तो ये पावर है हमारे डीएक्सएन का कि हम डॉक्टर का घर का रास्ता भूल जाएंगे। मैंने इससे अपने देवर जी का इलाज करा, वो काफी बीमार थे, उनको मैंने डीएक्सएन का प्रोडक्ट खिला के, आज शायद वो लाइव होंगे भी, मैंने उन्हें कहा भी था कि आज आप भी आइएगा, और वो भी इसको करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो उनका इलाज करा, वो ठीक हुए, और मैंने देखा कि अभी तक जितने लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया है उसका पॉजिटिव ही साइन आया है, नेगेटिव नहीं आया है। तो अगर मैं शायद डीएक्सएन के बारे में, यस आलोक जी कर रहे हैं तो कमेंट कर रहे हैं जी, तो अगर मैं डीएक्सएन के बारे में बोलना स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बस 2-3 चीज मेन आपको जरूर बताऊंगी कि एक तो हमारा प्रोडक्ट दमदार है, वो हर जगह काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले आप प्लीज खुद से यूज करिए, फील करिए कि कौन प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे काम करता है, तब जाकर आप अगले वाले जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उसकी परेशानी को हमें समझना है कि उसे आखिर तकलीफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट उसे सजेस्ट करना है। और ब्यूटी से रिलेटिव तो उसके बहुत सारे अलग अलग हैं, उसका चुब्बी ऑयल गजब है, अगर आप उसे रात में नाइट में केवल उसे लगाकर सोते हो तो आपका फेस का टेनिंग खत्म हो जाता है, आपका ये जो जेल है उसका 100% रिजल्ट है कि जिसके फेस पे दाने हैं वो दाने ठीक हो जाएंगे। और इसका सेशन कभी अगर मैम सिप्रा मैम मुझे मौका देगी तो मैं जरूर ब्यूटिशियन का इसके हिसाब से बताऊंगी कि किस चीज पे और वो हो सकता है अच्छे तरीके से इस्तेमाल। मैंने उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है। रोशन मैम जो दुबई में है उनका सेशन देखिए, यूट्यूब में देखिए, मैं सबको जरूर बोलूंगी। शैल जी आप कुछ बता दीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, अभी टाइम है आप ले सकते हो टाइम, ऐसा नहीं है, आप बताइए अच्छा लगेगा जी। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ तो आप ये देखिए कि हमारे पास कुछ महिलाएं आती हैं जिनके अगर 35 के बाद उनके स्किन जो होते हैं उनके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इस पे एक इसका डीएक्सएन पे एक्सपेरिमेंट करा कि मैंने उनको सॉप दिया और उन्हें कहा, जैसे हम अक्सर कहते आते हैं कि डीएक्सएन के सॉप को आपको लगाना है और 10 से 15 मिनट उसे छोड़ देना है, इवन हम आधा घंटा भी उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट आप स्टे करके रखिए अपने फेस पे, उसके बाद आप फेस को धोइए और जो हमारा एलोवी जेल है, एलोवी वो मॉइस्चराइजर है जो बॉडी लोशन है, उसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा ही अप्लाई करना है। उसके बाद नाइट में आपको उसी सॉप से अपना चेहरा सेम मेथड से धोना है और आपको चुब्बी ऑयल, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे सॉप में सबसे ज्यादा बिकने वाला चुब्बी ऑयल है और उन महिलाओं के रिंकल्स कम होना शुरू हुआ है। और वो महिलाएं आगे से आके कहती हैं कि शैल क्या कहते हैं, ये है मेरा चुब्बी ऑयल। हाँ जी मेरा है। तो वो मुझे आगे से आके कहती है कि शैल देखो कुछ ग्लो आ रहा है क्या, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी, और रियली वो काम करता है। मैं बल्कि पाठक सर लगाते हैं, पाठक सर हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैम मैं भी लगाता हूँ, मेरे हस्बैंड लगाते हैं उन्हें बहुत पसंद है, तो मेरी स्टूडेंट्स सारी। हाँ तो देखिए इसे हम कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, पहला कि हमने रिंकल्स के लिए और ग्लो के लिए उनको दिया, क्योंकि नाइट आप देखेंगे ज्यादातर बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सीरम्स आ रहे हैं कि आप रात को सीरम लगाइए आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपका ग्लो आएगा, लेकिन उसमें होता क्या है। तो वो हम इस फील्ड में लगभग 13-14 साल से, तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, उसमें होता है विटामिन ई, और हमारे जो चुब्बी ऑयल में है विटामिन ए कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें विटामिन इतना अच्छा है ये कि हमारे स्किन के अंदर जाकर फिर वो उसको जमा बनाने की कोशिश करता है, तो ये चीज बहुत अच्छा है चुब्बी ऑयल का। चाहे इसका कोलगेट, जब मैं अपने क्लाइंट को इवन शेयर करती हूँ ये बात कि मैडम आप तो इससे अपना दांत तो चमकेगा ही चमकेगा, आपकी सांस से खुशबू मतलब जो बदबू है वो हटके खुशबू आने लगेगी, आपका फ्रेग्रेंस अच्छा हो जाएगा, प्लस आपका फेस भी ग्लो करेगा, आप इसका फेस पैक के रूप में आप इसको अप्लाई करिए, अगर दाने हो रहे हैं एक्ने हो रहे हैं तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, इवन
हम हेयर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शॉप में हमारी एकेडमी में, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। और इसका आप क्या कहते हैं, एरी अगर फट रहा है तो लगाइए, जल रहा है तो लगाइए, आपके अगर हाथ में कहीं कट गया जल गया तो आप हमारे कोलगेट को यूज करिए, कोलगेट कह रही हूँ सॉरी टूथपेस्ट को यूज करिए, हमारे सर में अगर पेन है दर्द है तो उसे यूज करिए। मैं तो भूल ही गई, पहले पहले मुझे भी हमेशा क्योंकि एकेडमी में काफी काम होता है, मैं इवन 10 बजे अपने शॉप पर आ जाती हूँ और रात के 10 बजे से पहले मैं निकल नहीं पाती यहाँ पे, तो मुझे घर जाने में भी इवन 10:30-11 बज ही जाता है, तो कभी कभी हेडेक हो जाता है। तो मेरे घर में हमेशा बाम रखा रहता था, बाम तो मुझे लगाना ही था, लगाकर फिर मैं रिलैक्स होकर सोया करती थी, तो वो बाम आना भी अब बंद हो चुका। मतलब आप समझ नहीं सकते कि अगर आपने डिएक्शन को यूज करा तो आपके घर की बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, आपका खर्चा बचने वाला है, आपके ये जो इतने महंगे महंगे जो फेस वॉश लगा रहे हैं एक महीने में 100-200 रुपए का, वो सब खत्म होने वाला है। हमारा शॉप इतना अमेजिंग है, वो खत्म ही नहीं होता, एक बंदा अगर लगाए तो 3 महीने चलता है। मेरे क्लाइंट कहता, पहले तो कहता मैडम महंगा है, लेकिन जैसे वो ले जाता है, जैसे हम उन्हें समझाते हैं, फिर वो आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे वो तो खत्म ही नहीं होता मैडम, तो बहुत सस्ता है। तो यही चीज है, तो हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका, तो ये है, तो हमें समझाने की बात है। और मैंने इससे बहुत ग्रो अप किया है इस लॉकडाउन में, जब हमारी दुकानें बंद रही हैं तो इवन मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और मेरे डाउनलाइन जो मेरी टीम बन रही है, उन टीम को भी देख के उन्हें अच्छा लगा कि मैम को रोज इतना ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैम बिजी हैं, तो उनके मन में भी ये चीज प्रयास आ रहा है और वो कर रहे हैं। और मैं उन्हें यही समझाना चाहती हूँ कि जिनको जो चीज की नीड है, जिन्हें जो चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हमें उस चीज को देना है। और बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारा डिएक्शन ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे माइंड में बस एक ही चीज चलता है, एक ही चीज घूमती है। जब हम भरत सर के ऑफलाइन जब हम लोग मीटिंग में गए थे, फर्स्ट टाइम हम मिले थे सर से, तो सर ने एक ही बात वो बोली थी कि हम डॉक्टर नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम बहुत नहीं जानते, लेकिन हमें बस इतना पता है कि हमारा जो गैनोडर्मा है वो सेल्स पे काम करता है, हमारी कोशिकाओं पे काम करता है। और वो कोशिकाएं, हमारा तो पूरा शरीर ही कोशिकाओं से बना हुआ है, हमने पढ़ा था बचपन में और आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, नेचर पेथ में गई, वहां बहुत कुछ मैंने पढ़ा और सीखा और देखा। तो जब हमारा बॉडी ही सेल्स से बना है और हमारा गैनोडर्मा वर्क ही सेल्स पे करता है, तभी तो इसका रिजल्ट इतना फास्ट, इतना अच्छा, इतना बढ़िया है। तो हमारा जो डिएक्शन है, मैं इसकी तारीफ करते हुए थकती नहीं हूँ, इसलिए नहीं थकती कि वाकई इसका जो रिजल्ट है अमेजिंग है। और हमारे गुरुओं का जो साथ है, हम कहीं रुकते हैं तो हमारे गुरु हमें रुकने नहीं देते, हमें पुश करते हैं कि नहीं आपने इतना किया थोड़ा और करिए, रुकिए मत। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है ना तो हमें दीजिए वापस, उसके जगह जो बिक रहा है वो ले जाइए। तो ये कौन देता है, कोई कंपनी इतना नहीं करता किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और इन्होंने हमारे लिए किया है। और मुझे लगता है हम तन मन धन से आज रिएक्शन हो चुके हैं और आगे करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपने डाउनलाउंड को भी यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको करिए, विश्वास के साथ करिए, पहले यूज करिए, बेचना नहीं है, पहले हमें खुद खुद इस्तेमाल करना है और इसकी हर चीज को समझना है, उसके बाद हम उसको आगे कर सकते हैं और अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। शैल जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। और जैसे आपने कहा, भरत जी बोलते हैं कि डिएक्शन मैं हो जाओ, तो आप डिएक्शन मैं हो गई हैं। आपने कहा कि मेरा चबी ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तभी हम उसे अपना बोलते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, अगर कहते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये लोग कहते हैं अगर आपका पेस्ट महंगा है तो कैसे महंगा है, बाम नहीं लेना है हमको, हमको गले में प्रॉब्लम हो तो नहीं लेना है, हमें कोई टैबलेट नहीं खानी है, तो वो हमें पैसे से भी नुकसान नहीं है और हमारे हेल्थ से भी नुकसान नहीं है। तो बहुत, हाँ जी मैम, हाँ जी,
कई लोग ये कहते हैं कि मैम आप ये कह रहे हो कि हम इसे पी भी सकते हैं, हम इसे लगा भी सकते हैं, जब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ उसको बताना तो वो बिल्कुल अजीब तरीके से देख के एकदम शॉक हो जाते हैं बेचारे। तो फिर मैं बोलती हूँ यस ये हमारा गैनोडर्मा है, ये हमारा डीएक्सएन है, आप कर सकते हैं। तो वो बहुत ही खुश होती हैं और वाकई वो करती हैं और आके फिर रिजल्ट बताती है। अभी तो बीच में अब देखिएगा अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है तो मेरे काफी सारे क्लाइंट आ रहे हैं, उनका फोन पे आ रहा है मैडम मैं तो 5,000 रुपए बच गया। बोले कैसे? तो मैडम क्या कहते हैं मैं तो दांत के डॉक्टर के पास जाने वाली थी, मैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चीज अब मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, तो अब मैं यही चाह रही हूँ कि इसको हम और आगे लेकर जाए, जो हमें नायाब चीज मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा नेटवर्किंग मैंने काम किया है, मैंने शायद अभी बताया भी कि 13-14 साल से मैं इस लाइन में हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को यूज भी किया है, बट 6 महीना साल भर बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं था। आप कब तक किसी को जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते आप, एक बार दे सकते हो, दो बार, तीसरी बार नहीं दे सकते, बट प्रोडक्ट में मजा ही वही आया ना कि मैंने एक बार तो दिया लेकिन अगली बार वो खुद आते हैं लेने कि मैडम मुझे तो चाहिए, मेरा तो ये ठीक हो गया, मेरा तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो इसका ये मजा आ रहा है और मुझे लगता है कि हमें आप सबका साथ मिलता रहेगा और हम इसी प्रकार काम करते रहेंगे। और अपने डाउनलाइन को मैं भी यही समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग भी इसको समझिए, डिएक्शन में हो जाइए, तो मुझे लगता है हम लोग सब मिलके बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले। बिल्कुल शैल जी, जैसे कि आपने देखा है, मैं इन लोगों को बोलना चाहूंगी जो हमारी F3 लेडीज की ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, F3 वुमेन्स ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे थे जो हम होम मीटिंग में मैं लिख रहे थे, होम मीटिंग हो रही है, वो शैल जी ही अपनी मीटिंग्स दे रही थी, उन्होंने अपने लोगों को बिठा के मीटिंग्स करी है। और शैल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं बोलती हूँ, मैंने आज भी बोला कि आप सभी अपने घर में इन्वेस्ट कीजिए, 50 से 90 हजार आपको इन्वेस्ट करना है। और शैल जी ने देखिए पिछले साल उन्होंने मार्च में अपना इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके वो परेशान हो गई। मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि लेडीज अगर इन्वेस्ट कर देती हैं तो लेडीज को एक टेंशन होती है कि मुझे इसे बेचना है। ये जेंट्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं करते, लेकिन जेंट्स का अपना अलग वे होता है, लेडीज को एक होता है कि उसके मन में एक खुलवली सी मच जाती है कि इसको बस निकालना है कैसे भी, तो वो उसको लिए काम करती है। तो वही चीज है, इसलिए आपने जो पेमेंट आपने लगाया था अपना, आपका पीछे दिख रहा है मुझे पूरा सेटअप जिसमें आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, और देखो बहुत अच्छी बात है, जब दिखेगा तो बिकेगा, है ना। और आप इसमें ग्रीन टी भी यूज कर सकती है, ग्रीन टी पता है आइस पे मसाला टी रखी हुई है आपकी, मुझे दिख रही है ना, हाँ ग्रीन टी भी रखी है, दिख रही है, ओके दिख रही है, ग्रीन टी भी हमारे आईज के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आप ग्रीन टी यूज करें पैकेट को भी रख देंगे ना आईज के ऊपर तो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, पता होगा आपको, बट मेरे को देख के वो मेरे अंदर से भी कुछ कुछ चीजें निकल रही है कि इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जी अभी रिसेंटली मैंने गैनोडर्मा फेशियल स्टार्ट करा है, उसके क्लासेस भी देना स्टार्ट किया है, तो हो सके वो भी मैं डालूंगी अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिससे लोगों को और पता लगे, तो ये चीज अभी मैं कर रही हूँ और आगे भी इसे अच्छा से करना। बिल्कुल बहुत अच्छा है और आप सभी के लिए प्रेरणादायक है आज के लिए, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि हम करेंगे तो मिलेगा, और आप कर रही हैं तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है नहीं। और वीडियो कोई लिख के भेज रहा है, मैम वीडियो सेंड करते रहे हैं आप, बिल्कुल ये जो वीडियो है आपको सेंड होती रहेंगी, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं अपना भी कुछ शुरू कीजिए ना, हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस, कि ये प्रोडक्ट सारे ऐसे हैं, मैं पहले भी बोलती थी कि जैसे हल्दी होती है, हल्दी को हम दूध में मिला के पी जाते हैं, हम बॉडी पे लगा लेते हैं, चोट पे लगा लेते हैं, खाने में डालते हैं, सेम ही डीएक्सएन प्रोडक्ट्स हैं। आप लोशन को और जेल को नहीं खा सकते, आप पाउडर नहीं खा सकते, आप ऑयल बेबी ऑयल नहीं पी सकते, कोकोनट ऑयल पी सकते हो, तो जो चीज हम नहीं पी सकते वो तो आप नहीं खाओगे, बट जो हम खा सकते हैं उसको हम लगा जरूर सकते हैं। ये ध्यान रखिए डीएक्सएन में जितने भी खाने की चीजें हैं वो सारी लगाने की हैं। मैंने इसलिए क्लियर किया, कई बार लोगों को प्रॉब्लम, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मोरिंजी तक कॉटन में लगा के फेस पे लगाते हैं और उस मोरिंजी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मोरिंजी को अब हम नोनिंजी बोला जाता है, वो टंग पे मोरिंजी रहती है कि हम शुरू से उसे ऐसे ही यूज करते आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस कीजिए। अब शैल जी ने कुछ अपने एक्सपीरियंस लिए, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा और खुद कुछ खुद भी करा होगा, तो उस सबसे बहुत कुछ उन्हें समझ में आया, सुनने में आया। तो वेरी गुड शैल जी, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन ली, आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे और गॉड ब्लेस यू। जैसे आपने आज बोला कि आपके डॉक्टर के पास जाना भूल चुके हो, भगवान ना करे कोई डॉक्टर के पास जाए, और यही प्रयास है,
यही प्रयास है कि डॉक्टर के पास कोई ना जाए, कि डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर हमारे वॉरियर्स हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन डॉक्टर्स के बजाने मतलब ये है कि हम हेल्दी रहो। डॉक्टर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें अब इसमें पैंडेमिक में अगर डॉक्टर्स ना हो तो इंसान कैसे बचेगा, नहीं बच सकता। लेकिन एक डॉक्टर के पास जाने का जो डर है कि हमें डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सो थैंक यू टू यू शैल जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, और फ्यूचर में आप ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, अपने डाउन लाइन्स में सबको समझाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम बताते हैं कि हर बार कोई मोटिवेशनल बुक पढ़िए, कोई मोटिवेशनल टीवी देखिए, पिक्चर देखिए। भरत ने लास्ट टाइम बोला था भाग मिल्खा भाग वाली मूवी देखनी है, लोगों ने देखी होगी वो मूवी, मुझे नहीं पता कितनों ने देखी, आपने देखी, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने देखी नहीं है वो जरूर देखें। और इस हफ्ते की पिक्चर जो है वो पिक्चर हमारी है मैरीकॉम मूवी, मैंने देखी भी है, और जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी भी हो वो दोबारा उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर वो दोबारा उसको देखते हैं तभी उनको वो रिजल्ट भी दिखेगा, क्योंकि उसमें जो चीज सीखने को मिलती है ना, लेडीज की मेहनत, ताकत और उनके कर गुजरने का जज्बा, मेन बात है हम कुछ भी कर सकते हैं बट हमें जज्बा होना चाहिए। अगर अभी डॉक्टर कोई बैठा होगा वो बीमार होगा तो क्या कहेगा पेशेंट से कि मैं बीमार हो गया हूँ, वो नहीं कहेगा, वो पेशेंट को देखेगा फिर जाके लेट जाएगा। सो ये चीज हमें अंदर होना चाहिए, हमें एनी हाउ अपना काम करना है, 100% बढ़ेगा। सो शैल जी को बहुत धन्यवाद। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो हमारे पाठक सर हैं बहुत ही हेल्पफुल है, जब भी हमें उन्हें आवश्यकता पड़ती है हमें वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। इवन अभी इस 8 तारीख को भी मैंने उनका समय मांगा है और 30 से 35 लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं और सर मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये डीएक्सएल परिवार की ताकत है। वेरी गुड पाठक जी, और सभी लोगों के लिए है ये बात कि अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें ताकि वो आपके साथ, आप उनकी हेल्प कर सके। अभी आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उन सबका काम है कि ऑनलाइन शुरू कर दें। हम लोगों ने इसीलिए ऑनलाइन शुरू किया कि ताकि हम सब कनेक्शन में आ सके, कोई भी बात कर सकता है फोन पे, किसी को बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी मीटिंग्स को मोटिवेट करके लोगों को जरूर बताइए, जितनी मीटिंग्स आपको मिल रही हैं आप सबको बताइए ताकि वो लोग वो मीटिंग सुने, समझें और वो उससे आगे बढ़े। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैम बता रही हैं, इतने सालों से कर रही हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं पिछले कई सालों में, बट डीएक्सएन उन्हें ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड उसकी क्वालिटी की वजह से। तो वो तो मैम की बात है ही, और दूसरी बात ये भी है कि 19 साल बेमिसाल जो भरत जी ने काटे हैं डीएक्सएन में, वो इतने मस्त है, मतलब वो जिंदगी का, लाइफ का जीने का तरीका, मतलब हम आज भी, आपने खुशी देखी होगी शायद जब हम प्रेजेंटेशन उस दिन दे रहे थे, क्योंकि वो खुशी डीएक्सएन जब मेरे सामने, मुझे मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था जब मेरी शादी फिक्स हुई थी कि मैंने पहली शादी डीएक्सएन से करी है से कर रहा हूं। तो वो फीलिंग उनके अंदर क्यों थी, क्योंकि उन्होंने सच में डीएक्सएन ने उनकी लाइफ को चेंज किया है। पहला फोटो देखा होगा आपने अगर भरत जी का, और आप अगर उनका आपका फोटो देखोगे तो आप खुद देखो कितना चेंज है, मैं कहती हूँ काले से गोरे हो गए क्योंकि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में इतनी ताकत है। तो ये सब चीजें जो है ये, और देखो जेंट्स कभी फेस पे फेशियल नहीं कराते हैं आजकल के, बट कम कराते हैं, बट नहीं कराते हैं। तो ये अब बेबी ऑयल, तब हमारे, आप सोचो जब मेरा बेटा हुआ था हमने बेबी ऑयल मलेशिया से मंगवाया था, यहाँ नहीं मिलता था क्योंकि हमें पता था कि क्या क्वालिटी है, और हमने वहां से मंगवाया, बेटे को यूज किया। मेरा बेटे का मैं कभी शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी शायद कल कर सकूं नन्हे कलाकार में, जो मैं शेयर करूंगी, मेरा बेटा छोटा वाला बिल्कुल सांवला था, बिल्कुल सांवला, और मैं सोचती थी कि ये तो बिल्कुल ही काला हुआ है, बेबी ऑयल से मसाज करके उसे मैंने गोरा कर दिया। और मेरे बिजनौर के कई लोगों ने इस वजह से मुझसे ऑयल मंगवाया कि भाई वो ऑयल मंगवा दो, मेरा बच्चा भी बहुत सांवला है, मेरा बच्चा भी बहुत सांवला है, और रिजल्ट्स हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि कोई काले से गोरा हो जाएगा, लेकिन हम कोई दावा नहीं कर सकते, सबके सेल्स वर्क करते हैं, है ना। तो इसलिए आप मैं ये चीज नहीं कह रही हूँ कि गोरे से काला करने का या कुछ और दिखता है, रिजल्ट उसका दिखता है। आपकी स्किन क्लियर आती है, मैंने भेजा भी था, मेरे बेबी को भी एक्सपीरियंस भेजा था आपको शायद, तो अमेजिंग रिजल्ट था उसका, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है हेल्थ के रिगार्डिंग भी। सो थैंक यू शैल जी, और आप सभी के लिए एक लास्ट में, हमारा टाइम हो गया है इसलिए हाँ भी है और 2-3 मिनट हम बात कर सकते हैं। तो लास्ट में ये कि आप मैरीकॉम मूवी देखिएगा, उसके अंदर जो भी आपको लगता है उसके नोट्स बनाइएगा कि हमें क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपनी फोकस कीजिए कि कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड, अपने लोगों को, जैसे हमारे जो भी लोग हैं हमें क्या करना है, अपने लोगों को, जो लोग हमारी मीटिंग्स में नहीं
नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे लेके आना है, उनको आपको जो आज मीटिंग आपने ली है उस मीटिंग के बारे में बताना है कि हमने जो कल मीटिंग ली थी वो इतनी अच्छी थी, और अगर हो सके कि हम सारी मीटिंग रिकॉर्ड करके डालते हैं यूट्यूब पे, तो वो आप कर सकते हो कि आप उसको दिखा सकते हो, तो आप उन्हें वो मीटिंग दिखाइए ताकि उन्हें वो और भी अच्छी लगे और वो फिर हाँ हमें भी अटेंड करनी है। तो ये आपको किस तरीके से आपको लोगों को लेके आना है। कल हमारे नन्हे कलाकार का प्रोग्राम रहेगा, आप सभी जानते हैं वो 11 बजे से प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं उस हर नन्हे कलाकार की मीटिंग में एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर बच्चों से उसका मॉरल पूछती हूँ, बच्चे मॉरल मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो आप देखो बच्चे, अगर आप जो लोग उसमें होंगे नन्हे कलाकार वाले जो मैंने ग्रुप बनाया है, बच्चों ने इतनी इशू में हमने पेंटिंग डाली थी, ड्राइंग डाली थी, कुछ कम कम पेंटिंग्स ड्राइंग्स आ रही थी, अब इतने बच्चे अपनी एक्टिविटी डाल रहे हैं, इतना अच्छा बना रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बच्चों के लिए भी, तो जो बच्चे बड़े सब उसमें आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, और जो मैं कल का नन्ना कलाकार है उसको सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और चाहती हूँ आप सब रहें। तो हम कल मिलते हैं फिर से, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।